स्वागत है संदीप के ब्लॉग्स में। और इस वक्त है दशा समेत घाट के पास। और दशा समेत घाट में G20 के बाद का क्या माहौल रहा, किस तरह का जो विकास कार्य यहाँ पे चला वो देखते हैं। आपको पूरे घाटों के बाद का जो है काफ़ी तेज़ धूप है। और इस वक्त जो देख सकते हैं भीड़ भी है, काफ़ी इकट्ठा है, लोग स्नान वगैरह कर रहे हैं जहाँ पे देख सकते हैं। और आपको घाटों का दौरा ले चलते हैं कि किस तरह का जो है घाट निर्माण हो रहा है। और कई जगह पर दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ है कि फ्लोटिंग का उपयोग किया गया है लोगों को नहाने के लिए जो डूब नहीं सकते। इस प्रकार से जो घाट का निर्माण कार्य काफ़ी तेज़ी से हुआ है और लोगों की सेफ्टी का काफ़ी ध्यान दिया गया है। ये देखिए पूरा आप देख सकते हैं, ये दशा समेत घाट की बगल सीन है। वहाँ पे ले चल रहे हैं, वहाँ पे आगे ले चलते हैं जहाँ पर देख सकते हैं नाव वगैरह की रिपेयरिंग वगैरह चल रही है। यहाँ पर नई नाव बन रही है और आगे आप देखेंगे पूरे जो है बोट वगैरह लगे हुए हैं जहाँ पर। और आगे दिखाते हैं जो आपको ललिता घाट का भी दृश्य, साथ में आपको दिखाएंगे मणिकर्णिका घाट भी। तो सबसे फेमस जगह है मणिकर्णिका घाट जो लोगों को काफ़ी आकर्षक बना देता है। तो आज वहाँ पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या चीज़ वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा और लोगों को क्या चीज़ आकर्षित करता है वो चीज़ देखते हैं। तो ये देख सकते हैं दोस्तों डॉल्फिन रेस्टोरेंट है यहाँ पर और ये रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छी है, फेमस है यहाँ पर। और देख सकते हैं और चारों तरफ देखेंगे तो बोटिंग है, इस पार उस पार बोटिंग के लिए है, जो काफ़ी पसंदीदा जगह है जहाँ पे लोगों के लिए आकर्षक बनाता है। ये देखिए, ये देख सकते हैं कितना सुंदर पल यहाँ पे दिखता है लोगों के। ये इसीलिए तो गंगा का नाम, वो देखिए सामने क्रूज आपको देखने के लिए मिलेगा। ये देखिए क्रूज, और ये क्रूज वहाँ पे है। और आगे आपको ले चलते हैं, देखते हैं कैसा दृश्य आज G20 के बाद आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ का सुंदरता और क्या बदला गया है, वो सारा चीज़ आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं। देखिए इधर भी जो है फ्लोटिंग उपयोग किया गया है त्रिपुरा घाट के पास, वो भी आप देखेंगे। और इधर भी दोस्तों काफ़ी जगह सेफ्टी के साथ जो है फ्लोटिंग का उपयोग किया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं घाटों घाट पे आपको फ्लोटिंग आपको देखने के मिलेगा यहाँ पर। ये देखिए इधर भी पूरी फ्लोटिंग है। तो दोस्तों इस प्रकार कई घाटों पर जो है फ्लोटिंग बनाया गया है जो लोगों को डूबने से बचा जा सकता है। और आपको दिखाते हैं किन किन जगहों पे आपको देखने के लिए मिले। ये देखें और इसी के बगल में ललिता घाट आ जाएगा। ये देखें, ये देखिए फ्लोटिंग लगा के सेफ्टी किया गया जो स्नान वगैरह करने के लिए है और काफ़ी लोगों को पसंद आता है जो आसानी से नहा धो सकते हैं। यहाँ पर देखिए कितनी सुंदरता के साथ जो है यहाँ फ्लोटिंग का उपयोग किया गया और लोगों को बचने के लिए भी काफ़ी सेफ्टी है, जो आसानी से स्नान वगैरह कर सकते हैं, डूबने का डर खत्म हो जाएगा। तो आगे देखेंगे तो जो आपको सामने ललिता घाट मिल जाएगा, जो ये जो सामने वाला गया है ये ललिता घाट के लिए गया है, जहाँ पे आप ललिता घाट देखेंगे किस तरह जो है फ्लोटिंग को बीच में तैराया गया है काफ़ी सेफ्टी के साथ, लोगों को ध्यान में रखते हुए। आप वहाँ तक जो है चले जाएँगे जहाँ पर आप देख रहे हैं उस कोने तक, वहाँ पर ले चलते हैं। फिर आगे देखिए बोटिंग वगैरह लगे हुए हैं। ये देखिए पूरे के पूरे जो दृश्य काफ़ी सुंदरता के साथ देखिए। ये देखिए और वहाँ पे जो है हम आ चुके हैं ललिता घाट के पास, वो भी दृश्य आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, काफ़ी सुंदरता के साथ देखने के लिए मिलेगा। ये देखिए और इस वक्त दोस्तों सुबह के टाइम काफ़ी धूप है, तो शाम में ही आए तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, एंजॉयमेंट लगेगा। और ये देखिए बोटिंग वगैरह है और यहाँ पे सारे नाव वगैरह को खड़ा किए गए हैं, लोगों को जाने आने के लिए सुविधाएं भी अवेलेबल होती है, आप बोटिंग को किराए पे उठा सकते हैं। और काफ़ी सुंदरता के साथ ये पूरा बनाया गया। तो ये दोस्तों देख रहे हैं सामने, ये है ललिता घाट। ललिता घाट काफ़ी फेमस घाट है लोगों के लिए, काफ़ी सुंदरता के प्रतीक। जब शाम को आप आएँगे एक ललिता घाट का बदलाव आप देखने के लिए मिलेगा और किस तरह जो है यहाँ का ललिता घाट का एक निर्माण कार्य देखेंगे वो काफ़ी सुंदरता के साथ जो है यहाँ पर मिलता है। ये देखिए ये पूरा पूरा जो है ललिता घाट का एक अच्छा चीज़ है, जहाँ पे आप देखेंगे किस तरह सुंदरता के साथ जो है ललिता घाट का। ललिता घाट के पास काफ़ी सुंदर नज़ाराओं का आप देख रहे हैं कि किस तरह जो ललिता घाट को जो है खूबसूरती के साथ सजाया गया है लाइटों से। और शाम के वक्त आएंगे तो पूरी की पूरी लाइट देखने के लिए मिलेगी आपको काफ़ी अच्छी तरह से। और ये देख रहे हैं सामने मणिकर्णिका घाट जो है, देखिए लाशों का भंडार जो है यहाँ पर काफ़ी जलता रहता है हमेशा। यह सामने आप देख सकते हैं किस तरह का जो है मणिकर्णिका घाट पे ये आपको दृश्य देखने के लिए मिलेगा।
और काफ़ी सुंदर होता है दोस्तों इस तरह के जो है घाटों को देखने के लिए। लोग कितने मोक्ष पाने के लिए यहाँ पे आते हैं, और ऊपर देख सकते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा भी जलाया जाता है अंदर साइड में। और यहाँ पे देखिए किस तरह जो है घाटों के लाशों यहाँ 24 घंटे जलाया जाता है, जो लोगों को काफ़ी आकर्षक बनाता है। और मोक्ष की प्राप्ति के लिए लोग यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं। ये आप देखेंगे इस तरह से जो है पूरे लाशों को मनकनका घाट पर जलाया जा रहा है। इस नाम है मनकनका घाट, और काफ़ी लोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए दूर दूर से काशी में आते हैं, और काशी भोलेनाथ के आशीर्वाद से ये मसान पूरी की पूरी जो है यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह जो है अंधाधुंध आगों के बीचों बीच लपटी लाशें जहाँ आपको देखने के लिए मिली। देखिए किस तरह जो है आगों के बीच जो है लपटी लाशों को देखा जा रहा है, जहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से जो है यहाँ पे देख सकते हैं जो लाश इकट्ठे हो रहे हैं। गंगा स्नान में नहाने होने के बाद जो है फिर लाश को जलाया जाता है, जहाँ पे देखिए किस तरह से जो है